बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और सुबह टाइम से उठ गए थे, नहा धो के तैयार हुए और ईद के लिए आ गए। यहाँ पार्क में ईद का इंतज़ाम किया गया और पहले जैसी रौनक बिल्कुल भी नहीं है इस दफ़ा ईद पर। अपनी अपनी जाय नमाज और फासले के साथ खड़ा होना था मास्क पहनकर। इमाम साहब खुतबा कर रहे हैं, स्पीकर का भी इंतज़ाम नहीं है और वो जो रौनक समा अब से पहले होता था बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब नमाज पढ़ ली गई है और खुतबा कर रहे हैं इमाम साहब। रात को मैं काफ़ी लेट सोया था। पहले दिन को तो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, रात को गोश्त वगैरह लेके आया था और लेट मिला था, बस नींद एक घंटे ही सोया हूँ, टाइम से आ गया था। अब ये देखें व्यूअर्स, गले भी कोई नहीं मिल रहा है, ईद कोई नहीं मिल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि इस बीमारी से जान छुड़ाए। बहुत कम लोग हैं जो गले मिलते हैं, गले भी कोई नहीं मिल रहा। तो हम सारे भाई अलग-अलग आए थे, अभी जाएंगे आगे से एक साथ मिल जाएंगे। अम्मान और रुज़ैफ़ा मैंने देखा था आए हुए थे, जाए नमाज हम घर से ही लेके आए थे, घर पहुंच गए हैं अब। और ये रुज़ैफ़ा भाई ने लॉक खोला है और अम्मान भाई ने, तीनों ने एक जैसे ही सूट है, नए नए सिलवाई है पहले के ही थे। नमाज पढ़ के हम आ गए घर और दस्तरखान पर बैठ गए, पूरी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। और हम अरबिश अपने मामू के घर गए हैं, उनके बगैर घर सोना सोना लग रहा है। तो खाना बनाया अम्मी ने और मटन लेकर मैं आया था, बनाया अम्मी ने। अम्मी कुकिंग कर छोड़ गई थी काफ़ी अर्से से, अम्मी अब कुकिंग नहीं कर रही हैं। तो आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, अम्मी आप खाना बनाएं, अम्मी ने खाना बनाया। तो हम खाते हैं खाना और खाना इंजॉय करते हैं। मेरे साथ अम्मान अरीफ वगैरह बैठे हुए हैं, हम चारों भाइयों ने एक जैसे ड्रेस पहना हुआ है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को आप देखते रहें। मैं खाता हूँ खाना, मिलते हैं आके जाके। का व्यू भी आपको दिखाया था, यहाँ पे जो है रखे हुए मजदूर उनके लिए खाना लेकर आए ईद का। और अभी उनसे हम ईद मिलेंगे, फिर इसके बाद उनका खाना देंगे। घर से ही खाना बनवा के लिए उनके लिए लेकर आ गए थे। तो वहाँ जा दूध हमारा दूध ही नहीं लेके आया, दूध वाला दूध नहीं लेके आया, और उसके उधर चला देखा हमारा पास, ये इनके लिए खाना वगैरह लेके आए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैफुल्ला भाई वगैरह के लिए केक वगैरह घर वालों ने भेजा है। ये सैफुल्ला भाई आपका केक है और इसमें ये खीर इनके लिए भेजी है घर वालों ने। तो इसमें कुछ सालन वगैरह है, इसमें सालन वगैरह है और ये खजूरें कुछ भेजी हैं। तो सैफुल्ला भाई आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक, ठीक है। तो इसी के यहाँ पे ये मलंग साहब खड़े हुए हैं, अभी ये खलील और मलंग शफीक जो है इनके साथ के तीसरे वो अंदर हैं। ईद हमने इनको मुबारकबाद दे दी है और इसकी इसी के साथ आज का व्लॉग कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स, अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हो तो साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरा मोर बोल रहा था, अल्लाह हाफिज़।